तो यो 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 भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी लोग गाइस यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइस एक टेक्निकल पॉइंट के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू एपिसोड में। और जैसे कि आपने यहाँ पर पिछले एपिसोड में दोस्तों यहाँ पर सब कुछ देख लिया था, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जिमी के साथ गया था, वो यहाँ पर एक नया मोबाइल ऑपरेशन सेंटर वगैरह बना रहा है, ठीक है, मिलिट्री बेस से रिलेटेड जो सारी की सारी चीजें अंडरग्राउंड बंकर्स वगैरह बनाए गए हैं। तो यार मैं ना जरा वो सब कुछ यहाँ पर जो है देखने के लिए गया था और जो काम है दोस्तों एकदम पीक लेवल पर हो रहा है और हर चीज गाइज एकदम यहाँ पर जो है बेस्ट चल रही है, ठीक है। और उसके बाद मैंने फिर वीडियो के लास्ट में आपको दिखाया था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से दोस्तों यहाँ पर जो जैस्मिन से शादी करने वाला हूँ, ठीक है। और गाइज आज हम फाइनली अपनी शादी की जो लोकेशन वगैरह दोस्तों वो डिसाइड करने वाले हैं कि हम अपनी शादी वगैरह कहाँ पर करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले गाइज मैं यहाँ पर अपनी इस बंकर में आया था एंड मैं लिटरली यार वैसे तो मैं अगर नॉर्मली वे में बता दूँ ये जो है बंकर गाइज मेरा नहीं है, ये लॉस सैंटोस का जो मुझसे पहले जो प्रेसिडेंट था ना ये उसका बंकर था दोस्तों। और मैंने उसको और उसकी वाइफ को ना दोबारा से किडनैप करवाया है क्योंकि वो दोस्तों हमारे खिलाफ यहाँ पर एक चाल चल रहे थे। अभी देखो मैं आपको प्रॉपर बात बताऊंगा। देखो डेगन बॉस मेरा दोस्त बन चुका है, एल रूबियो से मुझे बदला लेना है, ठीक है भाई, और डेविन वेस्टन से बदला लेना है, जितने दुश्मन वगैरह हैं सारे के सारे हमारे, ठीक है। और जो लोग कहते हैं ना कि डेविन वेस्टन का ये नहीं किया वो नहीं किया, आज तुम्हें डेविन वेस्टन का भी कांड पता चलेगा मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। बट उससे पहले जो प्रेसिडेंट है गाइस वो यहाँ पर एल रूबियो का साथ दे रहा था। जब से प्रेसिडेंट को ये बात पता चली थी ना कि डेगन बॉस तो माइकल के साथ हो गया, अब मुझे यहाँ पर किसके साथ रहना चाहिए, तो बिग माफिया और ये यहाँ पर एल रूबियो के साथ मिल गया था। और दोस्तों मैंने उसकी वाइफ के साथ उसको यहाँ पर जो है पकड़ के दोबारा से इस लोकेशन पर यार जो है बंद कर दिया है। और आपको पता ही होगा यहाँ पर मेरी जो है गोस्ट राइडर वाली सिक्योरिटी भी है, ये देखो इल्यूमिनाटी 20.0 ये वाली सिक्योरिटी भी है गाइस, ये देखिए आप सभी लोग यहाँ पर ये तो आपने देखी होगी, देख रहे हो गाइस। बट तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होने वाला भले कितनी ज़्यादा आग वगैरह यहाँ पर लग जाए। और मैंने उसको और उसकी वाइफ को दोनों को गाइस यहाँ पर जो है किडनैप करके जो है रख लिया बंदी बनाकर। भाई साहब ये रहा गाइस वो बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही यहाँ पर बोला था, गाइस वो देखो उधर खड़ा है वहाँ पर गोरा, और ये रही इसकी बीवी। गाइज मैंने इनको इतना समझाया था मैंने कहा अब मुझसे पंगा प्लीज़ मत लेना, अब तुम्हारा रास्ता अलग है मेरा रास्ता अलग है, तुम ना मेरे रास्ते में आना ना मैं तुम्हारे रास्ते में आऊँगा। बट दोस्तों इनकी चुलना कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। और भाई साहब ये एक बात को लेकर ना मतलब इतना ज़्यादा सीरियसली हो गया मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और मतलब ये बस ये चाहता था कि ये दोबारा से लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बने, ठीक है गाइस। बट मैं अब दोबारा से भाई इसको लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट नहीं बनने दूंगा, जी हाँ गाइस मैं इसको लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट अब नहीं बनने दूंगा। अब तू चाहे कुछ भी कर ले, अब तू हमेशा ना बेटा इस जेल के अंदर ही बंद रहेगा और तेरी बीवी भी तेरे साथ ही, क्योंकि तुम दोनों ने ना मेरा भरोसा तोड़ा है और जो बंदा मेरा भरोसा तोड़ता है ना मैं धोखा देने वाले को दोबारा मौका नहीं देता, समझ गया ना। ऑल राइट गाइस, बाकी यार मैंने इस पूरी जगह पर ना ये देखो कितने ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर रखे हैं, और ये मतलब ऐसे आग वाले सिक्योरिटी गार्ड है, अगर कोई भी इनकी मतलब चपेट में आएगा ना भाई वो सीधा यहाँ पर जो है मर जाएगा। और एक बंदा और हमने मारा था जो कि यहाँ अंदर पड़ा हुआ है गाइस, इसका भी बाद में कुछ यार इलाज वगैरह हम यहाँ पर करेंगे। ज़रा एक मिनट ना मैं दोस्तों लेस्टर और चाइनीज़ माफिया को बोल देता हूँ यार ज़रा इसका ना यहाँ पर ध्यान रखना और ये लोग यहाँ से निकल ना पाएँ, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम है दोस्तों और मैं यहाँ पर भी ना अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही आया हूँ। ऑल राइट तो मेरी बात सुनो लेस्टर और चाइनीज माफिया, मैं तुम दोनों को बोल रहा हूँ इन दोनों का ना यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर ये दोनों यहाँ पर मतलब कुछ भी बोलता है ना किसी चीज़ का हो मत करना, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना इन्हें पहले दो दिन तो बहुत अच्छे से टॉर्चर करना है, आज और कल टॉर्चर करेंगे उसके बाद इनको खाने के लिए देंगे। तो गाइज मैंने इनको ये बोला है फिलहाल हम अभी इनको खाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं देने वाले हैं, गॉट इट, दोनों की समझ में आ गया है ना, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए गाइज अब हम यहाँ से जो है निकलते हैं अपनी इस जगह से, और भाई साहब इन वाले बंकर्स की ना मेरे को ज़रूरत पड़ती रहती है यार, इसीलिए मैंने ना ये वाले बंकर दोस्त यहाँ पर कभी छोड़े नहीं थे। और ये वाला बंकर जो था लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट का था, और अब कायदे से देखा जाए तो भाई लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट मैं हूँ, तो भाई ये जो बंकर है ना अब दोस्तों मेरा है यहाँ पर, ठीक है अब मेरा बंकर है। और यहाँ पर तो बस सोने वोने का इंतज़ाम है और थोड़ा सा अपना सामान वगैरह हमने पेटियों में रख रखा है, वेपन्स वगैरह हैं और कुछ नहीं है, चलो। और यहाँ पर ये आराम वाला कमरा है, चलिए
अब जरा हम यहाँ पर निकलते हैं। बाकी दोस्तों मैं जैस्मिन के साथ ही यहाँ पर आया था अपनी रोल्स रॉयस के अंदर और जैस्मिन बाहर ही खड़ी है। हाँ गाइज ये रही। हेलो माय डियर लव, तुम्हें यहाँ पर थोड़ी सी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा होगा मुझसे, मेरी वजह से बेसिकली, मुझसे क्या, प्लीज़ I am really very sorry. ठीक है चलो आओ गाड़ी में बैठो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हम ये दोनों यहाँ से निकलते हैं ना, जल्दी बैठो यार, अब अपने पास पहली वक्त नहीं है, हमें बहुत दूर जाना है वैसे भी यार। आनी तो राइट गाइज ये बैठ गई फाइनली। तो गाइज यार मैं ना अपनी इस गाड़ी को आज प्योर गोल्ड भी कराऊंगा क्योंकि बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ ब्लैक कलर की है, बट वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दोस्तों, ये वाली गाड़ी ना ब्लैक कलर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड दिखाई देती है भाई, बहुत ज़्यादा सॉलिड लगती है ब्लैक कलर में भी। ऑल राइट मज़ा आ गया, चलो बड़ी बढ़िया आराम से गाड़ी को निकालता हूँ यार यहाँ से, बहुत सही। बस ना एक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मतलब यहाँ पर वो ध्यान वो रखना होता है, एक तो ये गाड़ी गंदी भी हो गई, इसको वॉश भी करवानी है दोस्तों, प्लस दूसरी बात ये यार ये गाड़ी का ना ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम है, तो ये गाड़ी ना इन ऐसे रस्तों के लिए तो भाई बनी नहीं है। अब खोल दो ना, शिट यार इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई भी गलती नहीं है इसके अंदर, ये लोग बाग ना अपने सिस्टम को गाइस संभाल कर नहीं रखता है, तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है, लोगों को समझना चाहिए, हमें क्या समझना। बढ़िया चलो गाइस हम अपनी गाड़ी को आराम से लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर ना एक वो है सर्विस सेंटर है, ठीक है तो मैं ना वहीं से अपनी गाड़ी को ना वॉश भी करवा लूँगा, ठीक है। हाँ ये चीज़ एकदम परफेक्ट रहने वाली है, अपनी गाड़ी को वॉश करा के तभी निकलेंगे, वरना पता चला भाई लॉस एंजेलोस का प्रेजेंट ऐसी भाई गंदी रोल्स रॉयस में घूम रहा है, रोल्स रॉयस की हालत भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। बाकी मेरे पास एक ऑटोमेटिक रोल्स रॉयस भी है, बट उससे ज़्यादा मजाक चलाने में ना मुझे ये वाली आता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी तो बताती है यार, क्या बात, गाड़ी चलने में तगड़ी, भागने में तगड़ी, और चाहिए क्या भाई बंदे को, और क्या चाहिए, कार वॉश यहीं पर हो जाएगी, ये अंदर कर देगा, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया। ऑल राइट गाइस तो चलिए अपनी कार वॉश हम यहाँ पर फटाफट जो है कंप्लीट करवा लेते हैं, जरा हम बंदे से बात कर लेता हूँ उसके बाद हम फिर निकलेंगे। हैं कहाँ पर, ज़रा बात करनी पड़ेगी, इधर उधर ही होगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम इतने यहीं पर हैं, ज़रा तुम 15 मिनट क्या यार 10 मिनट में जल्दी से अपना काम कंप्लीट करो, ठीक है। ऑल राइट गाइज मेरी फाइनली इस बंदे से यहाँ पर बात हो चुकी है, इसके पास ना धोने के लिए कोई मशीन वगैरह तो यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है, बट ये टैंक के पानी से अच्छे तरीके से करके जो गाड़ी को वॉश कर देगा, इसने बोला है सर 10 मिनट यहाँ पर जो है लगेंगे, तो मैंने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं भाई 10 मिनट में यहाँ पर जो है मार्केट में घूम लेता हूँ इतने। और ये लॉस एंजेलोस कस्टम्स ऑटो रिपेयर ना गाइज बहुत पुराना है ये देखो, और यहाँ पर ये देखो कितना ज़्यादा जंग वगैरह लग गया भाई साहब इसके बोर्ड के ऊपर भी, 1987 से भाई ये जो शॉप खुली हुई है, बहुत तगड़ा। और यहाँ पर एक होटल भी है, कोई ना चलो रोड क्रॉस कर लेते हैं। बैंक तो बंद पड़ा है, और ये जूस की दुकान है क्या भाई, ये कोई जूस शॉप है ना, इस पर शॉप पर कोई नहीं है, बंद है मेरे ख्याल से, बंद है शॉप, कुछ भी नहीं है गाइज यार यहाँ पर मार्केट के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। लोग भागना, मैं तभी तो सोचता हूँ भाई इतनी सारी चोरी चकारी लॉस एंजेलोस के अंदर क्यों हो रही है, क्योंकि देखो दोस्तों जो गांव वाले लोग हैं ना इस टाइम शहर की ओर आ रहे हैं, और शहर में ना उनके पास काम करने के लिए ना तो कोई जॉब होती है ना कुछ होता है, ठीक है, तो बेचारे वहाँ पर आते हैं और बस चोरी चकारी करते हैं। बाकी ये डिस्काउंट स्टोर है कि ऑल राइट, यहाँ पर एक कार शोरूम भी है, और इस कार शोरूम वाले ने काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ रख रखी है, आरवी सेल्स के नाम करके ये जो स्टोर है लॉस एंजेलोस, बढ़िया। और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यार यहाँ पर, कुछ विंटेज कार्स हैं, क्या बात है, ऑथराइज्ड, ठीक है, लॉस एंजेलोस आरवी सेल्स न्यू प्लस यूज्ड आरवी सेल्स, ओके, तो ये आरवी भी यहाँ पर मिलती है, प्लस इन्होंने गाड़ियाँ भी रखनी स्टार्ट कर दी, बहुत सही। और वहाँ पर 2024 लिखा हुआ है, एक मिनट, ये जो 2024 लिखा हुआ है कहीं GTA 6 का तो कोई साइन नहीं है कि 2024 के अंदर GTA 6 का ट्रेलर आने वाला है, शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि आज से पहले तो मैंने इस स्टोर पर ये चीज़ देखी नहीं। बाकी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह हैं जो कि फॉर सेल के लिए यहाँ पर लगी हुई हैं, ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, और इनके पास काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी हैं, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी कार्स इनके पास।
ऑल राइट, ये काफ़ी विंटेज गाड़ियाँ और बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी इन लोगों ने अपने पास रख रखी है। देखो प्लस ये देखो भाई, अम्बेसडर भी है यार। मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया गाड़ी तो उन्होंने मस्टैंग रख रखी है। बैठ कर देखो ज़रा, बढ़िया। ओ भाई क्या बात है। ऑलराइट गाइस, तो अच्छी गाड़ी है, नाइस। हाइड्रोलिक्स पर खड़ी होती है ना, हाइड्रोलिक्स नहीं इस गाड़ी के अंदर, मस्टैंग है, बढ़िया गाड़ी है, अच्छी है। और भी कुछ कार्स हैं दोस्तों इनके पास, लाइक जैसे कि चीता खड़ी है और ये कुछ गाड़ियाँ हैं। ये येलो वाली कार मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है भाई साहब। इस टाइप की गाड़ियाँ हम भी अपने शोरूम के ऊपर ना गाइस रखेंगे यार। और मैं सोच रहा हूँ ना, इस टाइप की गाड़ी या तो मैं किसी अपने किसी फ्रेंड वगैरह को गिफ्ट करूँ, बहुत तगड़ी लगे। क्यों, क्या बोलती हो तुम, है ना, तगड़ी तो है ही यार, बहुत मस्त मस्त गाड़ियाँ हैं, क्या बात है, मज़ा आ गया यार गाड़ियाँ वगैरह देख कर। बहुत सुंदर सुंदर कार्स हैं, लिटरली बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सही, बहुत सही, एक नंबर। प्लस ये अम्बेसडर देख कर भी भाई मेरा दिल आ गया, एक नंबर। और ये देखो, ओके ये गाड़ी अपने टाइम की बहुत बढ़िया गाड़ी है यार। खैर इन गाड़ियों में सब में कीज लगी हुई है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे चोरी वोरी तो देखो भाई होती नहीं है गाड़ियाँ, ठीक है। और मतलब कोई मतलब ऐसा ही बंदा है कि जो चोरी करने के पर्सपेक्टिव से आया है तो वो जल्दी से गाड़ी को चोरी करके ले जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम प्लस दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस सिस्टम आजकल लॉस एंटोस में बहुत एडवांस है भाई। देखो मेरी को छोड़कर जो नॉर्मल पुलिस वुलिस है, वो क्या कहते हैं, नॉर्मल चोर चक्के हैं ना गाड़ियों के भाई, वो तो एक मिनट में यहाँ पर जो है पकड़े जाते हैं। तो चलो यार जाकर देख लेते हैं, शायद मेरी गाड़ी जो है यहाँ पर क्लीन वगैरह हो गई होगी, फिर क्लीन होने के बाद हम दोस्तों यहाँ से जो है निकलते हैं लॉस सैंटोस के लिए। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, गाड़ी चमक तो बहुत रही है, चलो बैठो। तो गाइस फाइनली यार हमारी कार जो है यहाँ पर क्लीन हो गई है, हाँ हाँ देख लो मालकिन वाला देख कर, बढ़िया, चलो बहुत सही। बस गाइस गाड़ी जो है क्लीन होने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, पहले मतलब अजीब सी लग रही थी यार, अब तो क्या ही बात है यार, देखो दिल आ गया गाड़ी के ऊपर। और जब ऐसे लाइट चलती है ना गाड़ी की, एकदम जी आ जाता है यार गाड़ी के ऊपर, एकदम मस्त, बहुत बढ़िया। चलो क्या बात, चलो अपना आराम से हम गाड़ियों को लेकर चलते हैं, बहुत सही, बहुत आराम से। क्या बात है गाइस, गाड़ी क्या मस्त चल रही है। और यहाँ पर जो डेविन वेस्टर्न का घर आने वाला है, डेविन वेस्टर्न तो फिलहाल देखो गाइस अभी यहाँ पर उसी के साथ है, क्या कहते हैं मार्टिन मद्राजो के साथ, तो यहाँ पर तो खैर वो मेरे ख्याल से होगा भी नहीं ना, यहाँ पर तो होने भी नहीं वाला है डेविन वेस्टर्न, यहाँ पर ओनर करेगा भी क्या, चलो छोड़ो। अब गाइस फाइनली यार जल्दी से ना, सबसे पहले तो मैं जाता हूँ और इसको अपनी गर्लफ्रेंड को ना यार इसके घर पर छोड़ता हूँ, इसके घर पर छोड़ने के बाद फिर मुझे थोड़े से काम और हैं वो निपटाने हैं, फिर दोस्तों हम आगे चलेंगे, ठीक है। और जो जिस जगह पर हमें शादी वगैरह करनी है ना, उस जगह की प्रेपरेशन वगैरह करवानी है, कौन से होटल में करने वाले हैं, मेरे ख्याल से दोस्तों मैं तो यहाँ पर जो हमारा लक्स होटल है ना, मैं वहीं पर सोच रहा हूँ वहीं पर एक सेरेमनी रखें और मैं वहीं पर जो है शादी वगैरह करूँ। बट तुम्हारा इस बारे में यहाँ पर क्या कहना है, प्लीज़ तुम भी एक बार अपनी राय यहाँ पर कमेंट करके मेरे को ज़रूर से बता दीजिए, ठीक है। तो चलो जल्दी से मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर इसके घर पर चलता हूँ और इसको वहाँ पर छोड़ देता हूँ। अरे यार जैस्मिन, तुम समझने की कोशिश तो करो, हम जो भी प्रोग्राम करेंगे वो एकदम तुम्हारी रजामंदी से करने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो मेरी गर्लफ्रेंड है यानी कि जैस्मिन, वो थोड़ी सी दोस्तों नाराज़ हो गई है और वो इस बात पर ये चाहती है हम जो भी डेकोरेशन वगैरह करने वाले हैं हर चीज़ की प्लानिंग दोस्तों यहाँ पर यही करें। और ये बोल रही है मेरी यहाँ पर ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, तुम हर चीज़ तो अपने हिसाब से यहाँ पर करते रहते हो, ये तो देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर होगा। तो भाई चलो ठीक है, कौन से फ्लावर्स होने वाले हैं, कौन कौन आएगा उसके अंदर, तुम पूरी लिस्ट बना लो और सब कुछ बनाकर मुझे बता देना, ठीक है। फिलहाल मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ, रोल्स रॉयस भी यहीं पर खड़ी है, अगर कहीं पर जाना होगा ना तो गाड़ी के अंदर ड्राइव करके चली जाना, ठीक है। ऑल राइट बाय। चलो गाइज यार फिलहाल मैंने इसको तो यहाँ पर छोड़ दिया भाई, इसने दिमाग ख़राब कर दिया था। और फिलहाल मैंने अपनी रोल्स रॉयस को वहाँ पर इसलिए छोड़ा है क्योंकि अभी ना मैं बिग माफिया के घर पर जाने वाला हूँ। जॉन के घर पे है क्या कोई, देखो ज़रा गाड़ी खड़ी है ये जॉन की,
अरे यार शिट, जॉन की कार है ही नहीं। मुझे पता था जॉन सारी गाड़ियाँ लेकर जाता है, उसकी वाइफ भी लेकर गई हुई होगी। तो यार क्या करूँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें बस एक गाड़ी का इंतज़ाम करना है और बिग माफिया के घर तक जाना है। बिग माफिया के घर पर जा करना ज़रा थोड़ा सा ताबड़तोड़ होगा आज, इन्जॉय करना, क्योंकि बिग माफिया आजकल अपने आप को कुछ ज़्यादा बन रहा है। और जब कोई ज़्यादा बनता है ना, तो उसके पर काटने ना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। ज़रा उसको एक झटका भी तो लगना चाहिए। फ़िलहाल दोस्तों बिग माफिया ना लॉस सैंटोस में नहीं है, वो बाहर गया हुआ है, ठीक है। तो अभी वो लॉस सैंटोस में नहीं है, तो उसके घर में सिक्योरिटी तो होगी ना, और उसके घर की जो सिक्योरिटी है ना, उसकी जो गाड़ियाँ होगी लग्जरी, वो तो फोड़ने मज़ा आएगा ही। बाकी एक अच्छी कार खड़ी है, एक अच्छी कार हाथ लग गई, चलो मज़ा आ गया। अरे इस बंदे ने पक्का गाड़ी वो दिवाली ऑफर में हमारे शोरूम से खरीदी होगी। अरे यार चलो कोई नहीं, इसकी गाड़ी दोस्तों मैं खड़ी कर दूंगा, वरना तो ये सोचेगा जो भी माइकल के शोरूम से यहाँ पर गाड़ी वगैरह खरीदी जाती है भाई, वो खुद चोरी कर लेता है। अरे यार चलो कोई ना, मुझे बस यही तक तो आना था। गाड़ी बहुत है, ये गाड़ी ठुक जाएगी, इसीलिए मैं ना गाड़ी को बाहर ही खड़ी कर देता हूँ। जिस भी बंदे की गाड़ी होगी ना, वो खुद ड्राइव करके ले जाएगा इसे। ले भाई, जिस भी बंदे की कार है यहाँ खड़ी है, ले जा अपनी गाड़ी को। बहुत सही, बस मुझे तो गाइस यहाँ तक आना था और कुछ नहीं। चलो बढ़िया, ये निकली ना गन खतरनाक वाली। अब बताऊँगा ज़रा मैं इसके सिक्योरिटी गार्ड्स को। ये भाई साहब बिग माफिया अपने आप को मतलब नहीं कहाँ का शहंशाह समझने लग गया है। अबे चढ़ जा विशट यार, मुझे लगा था मैं यहाँ से चढ़ जाऊँगा। अबे यार गाइस, यही चीज़ तो बुरी लगती है मुझे इसकी। ओके तो यहाँ से तो इसके घर में जा नहीं सकते हैं, फ्रेंड्स ही एंटर कर लेते हैं, क्या हो गया है ना। देखो ज़रा गाड़ियाँ भी हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, इल्यूमिनाटी लॉकेट मेरे गले में है, टेंशन की कोई बात है नहीं। ऑल राइट गाइस, सबके सब मेरे लिए इतने वफादार तुम कब से हो गए बे? मेरे लिए इतने कब से वफादार हो गए, तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई साहब इन लोगों ने मेरे ऊपर इतना सा भी अटैक नहीं किया, ये कोई ट्रैप तो नहीं है? इतना सा भी इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया हाँ? ऐसा क्यों? ओके नाइस, मज़ा आ रहा है भाई मुझे तो मारने में। ये लोग मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, कोई भी एक बंदे ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। अब मुझे क्या मतलब है, मैं तो इन सबको मार कर रहूँगा। क्या बात है गाइस, मैं तो सबको मारूंगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इन लोगों ने ना तो मेरे ऊपर कोई अटैक किया ना कुछ किया, बहुत सही मज़ा आ गया भाई। मैंने तो इन सब बंदों को गाइस मार गिराया, मुझे तो भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। चलो यार ज़रा मैं ना यहाँ पर इसकी गाड़ियों के अंदर ना ज़रा बॉम्ब फिट कर लेता हूँ, और बॉम्ब फिट करने के बाद फिर देखो गाइस मज़ा। ओके क्या हुआ, बॉम्ब अलग तरीके से फिट हो गया क्या? अलग ही आवाज़ आ रही है उसके अंदर से, बहुत सही बहुत बढ़िया बात है। बिग माफिया के बच्चे तू तो गया है? वेट यार, ये बिग माफिया तो शहर से बाहर गया हुआ था ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और इसके पैर तो खराब हो गए थे ना गाइस, और ये इतना ज्यादा खुश क्यों है? अच्छा मैं ही तेरा हीरो हूँ। सबसे पहले तो बिग माफिया मुझे ये बता, तू तो लॉस सैंटोस में था नहीं ना, और तेरी सिक्योरिटी ने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, और तू यहाँ पर तालियां क्यों बजा रहा है? कहीं ये तेरी फिर से कोई नई चाल है? अगर कोई नई चाल है तो देख ये बात समझ ले, मैं तेरी अब यहाँ पर किसी भी चाल के अंदर नहीं आने वाला हूँ, समझ रहा है ना? तो मैं तेरी किसी भी चाल में फंसने वाला ही नहीं हूँ, तू अब चाहे कहीं का भी जोर लगा ले, तू कहीं का भी जोर लगा ले, मैं तेरी चाल में ही नहीं फंसूंगा। क्या दांत फाड़ फाड़ के दिखा रहा है, जो बोलना है सीधी तरह बोलना, जो कुछ ही बोलना चाहता है मुझे सीधी तरह बोल तू। अरे नहीं नहीं मुझे तेरी यहाँ पर किसी भी बात के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है, मुझे कोई भरोसा नहीं है,
तो गाइज यार यहाँ पर ना बिग माफिया ऐसा लग रहा है जैसे कि जलेबी खाकर आया हो, इतना मीठा बोल रहा है, जैसे कि गुड़ मुंह में रख के ना बात कर रहा हूँ मुझसे, इस तरीके से बात कर रहा है, नहीं तो मेरा बेटा है, तो मेरा बाबू है, ये है वो है, इतना मीठा क्यों बोल रहा है भाई? इतना मीठा बोलने की कोई ना कोई वजह तो होती है ना। इसने बोला कि मैंने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बोला था अगर तुमने माइकल के ऊपर एक भी गोली चलाई ना और अगर वो कभी भी यहाँ पर आया तो मैं तुम सबकी जान ले लूँगा, इसीलिए एक भी सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाई थी और मैंने तुम्हारे लिए ना यहाँ पर दिवाली के गिफ्ट्स मंगवाए हैं और मुझे पता चला है कि तुम यहाँ पर शादी करने वाले हो तो शादी का भी गिफ्ट है और मतलब ऐसा गिफ्ट है, एक बार तुमने उस गिफ्ट को बर्बाद कर दिया था बट मैंने उस गिफ्ट को वहाँ से दोबारा उठवा कर उस चीज़ को रिपेयर करवाया रशिया भेज कर, और इसकी शायद से रशियन माफिया से भी कॉन्टैक्ट है दोस्तों, तो इसने रशिया भेजा, रशिया से वो चीज़ रिपेयर होकर आई है, इसने मेरे को बताया बट मेरे को नहीं पता दोस्तों वो चीज़ क्या है, मेरे को नहीं पता है वो चीज़ क्या है। ऑल राइट, इसने कहा है कि मेरे साथ एयरपोर्ट तक चलो और कह रहा है अगर तुझे मेरे ऊपर यहाँ पर यकीन नहीं होता है ना तो जो चाहे मर्जी कर लेना बट मेरा भरोसा कर, मैं यहाँ पर कोई भी एल रूबियो के साथ नहीं हूँ। और ये मेरे को बोल रहा है कि दोस्तों मैं ना इंग्लैंड गया हुआ था, ये बेसिकली इंग्लैंड गया था इसके पैरों का इलाज करवाने के लिए और फाइनली दोस्तों इसके पैर यहाँ पर ठीक हो चुके हैं बिग माफिया के। चलो यार देखते हैं, क्या पता दोस्तों बिग माफिया यहाँ पर सच ही बोल रहा हो, एक बार देखने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है मेरे साथ एक बार ज़रा वहाँ तक चल ले तू, तो ये अपने साथ हमें ज़रा वहाँ तक लेकर जाने वाला है। चलो बैठो कोई ना, इसी की गाड़ी में चलते हैं। बढ़िया, कोई ना, एक बात नहीं समझ आ रही है, इसको पता कैसे था मैं इसके पास आने वाला हूँ? कोई नहीं है, अभी मैं इतने सारे सवाल नहीं करूँगा इससे, अगर मैं इतने सारे सवाल करूँगा ना तो पक्का ये बिचल जाएगा या फिर कुछ और वो कर लेगा। ठीक है, अभी जो जो मेरे साथ ये कर रहा है ना मैं इसको करने देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये मेरे को सीधा बोल रहा है तो यहाँ से लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चल मेरे साथ, मैं तुझे यहाँ पर एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, अभी पता चल जाएगा हमें सरप्राइज़ क्या देने वाला है क्या नहीं, सब कुछ भाई दूध का दूध पानी का पानी सब कुछ यहाँ पर हो ही जाएगा। ठीक है, चलो सीधा भाई हम जो है लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो है निकलते हैं। बहुत बढ़िया, और ये वाली शोरूम तो मैंने यहाँ पर डेविन मेस्टन को गिफ्ट कर रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, एक तो भाई साहब यहाँ पर जुकाम इतना हो रहा है ना मुझे बता नहीं सकता तुम्हें। तो गाइस फाइनली यार वैसे वीडियो को स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, हम बस ऑलमोस्ट लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक गाड़ी चलाते हुए ना पहुंच ही गए और मैं ना नॉन कट वीडियो बना रहा हूँ, कभी तुम लोग सोचो कि आरिश भाई तुमने यहाँ पर कुछ छुपाया हमसे ये वो, ऐसा कुछ नहीं, मैं सीधा आप सब लोगों के सामने देखो वीडियो में एक भी कट नहीं है और मैं सीधा तुम्हें यहाँ पर एयरपोर्ट पर ले जाकर दिखा रहा हूँ। इसने मेरे लिए मंगवाया क्या है बस मैं देखना चाहता हूँ, क्या मंगवाया है क्या नहीं, ऐसा क्या चीज़ है वो, चलो अभी पता चल जाएगा। बहुत सही, आराम से चलो चलो भैया। तो गाइस फाइनली हम लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आ गए, चल भाई खोल देना इसको। बहुत सही, हॉर्न भी बड़ा मस्त है भाई गाड़ी में इसकी। ओके, तो इसने बोला तो सही था, रेड वाले कार्गो प्लेन में आया है, ठीक है बट आया क्या है, मुझे वहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स खड़े हुए दिख रहे हैं और दूसरे वाले उस पर, अक्सर कर मैं तो इसी पे मंगवाता हूँ। ओए साहब, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये कहाँ से आया, ओह माय गॉड गाइस, अबे यार तुम्हें तो दोस्तों याद होगा मैंने जब यहाँ पर डगन बॉस के घर पर अटैक किया था ना तब गाइस मैंने लास्ट टाइम अपने इस टैंक को ब्लास्ट कर दिया था, ये ओरिजिनल टैंक है ना, देखो जरा मुझको चलाकर देखना है, टू साइड हो
ओ माय गॉड, ये तो रियल वाला टैंक है यार, रियल वाला टैंक है। बट इसके अंदर ना कुछ हो रहा है भाई। एक चीज़ की वो है कि भाई ये टैंक ठीक हो गया, बट आई डोंट नो, इसके इंजन में थोड़ा सा मैंने चलाया, कुछ होने लग गया। शायद से इसका इंजन ऑयल वगैरह निकल रहा है क्या, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। देखो नीचे से दिख भी रहा है, मैं अगर तुम्हें फ़ोन से दिखाऊँ ना, फ़ोन के कैमरा से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, तो नीचे से ना इसका ऑयल वगैरह निकल रहा है, इंजन ऑयल निकल रहा है मेरे ख्याल से। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ अच्छे से फिक्स नहीं हुई है। बट एक चीज़ की खुशी है, भले ही दोस्तों यार ये काम तो थोड़ा हमारा यहाँ पर बैनी वगैरह भी कर देगा, बट एक चीज़ की खुशी है गाइज, फाइनली यार हमारा टैंक दोबारा से यार हमारे पास आ चुका है दोस्तों, और अब मैं इस टैंक को अपने घर पर खड़ा कर सकता हूँ। क्या बात है यार, मतलब यार ये काफ़ी तगड़ा सरप्राइज था यार, काफ़ी तगड़ा यार, फाइनली मेरा टैंक वापस आ गया दोस्तों। ओ माई गॉड, इसने कितनी सारी गाड़ियाँ मुझे गिफ्ट करी हैं यार। वेट अ सेकंड, इसमें कोई ऐसी रेयर कार तो है नहीं जो मेरे पास ना हो, सारी गाड़ियाँ हैं मेरे पास ऑलमोस्ट। ये लैम्बो भी मेरे पास है, ये वाली गाड़ियाँ मेरे पास है। इसने मेरे लिए पर कम से कम इतनी सारी गाड़ियाँ तो मंगवाई हैं यार, लिटरली कितनी सारी कार्स मंगवाई दोस्तों इसने मेरे लिए। बट यार मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, इसको मुझसे बदले में चाहिए क्या? अब वहाँ दूर खड़ा है, पता नहीं भाई क्या सोच रहा होगा, इसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। भाई देखो इसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, मैं इस बारे में ज़ीरो जानता हूँ, मुझे इस बारे में दोस्तों यहाँ पर कोई भी नॉलेज नहीं है कि इस टाइम इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है दोस्तों, वो इसी को पता है। तो चलो यार एक बार इसको ज़रा बुलाते हैं और इससे ज़रा पता करते हैं कि भाई तुझे चाहिए क्या, ठीक है, जो तूने मुझे इतनी सारी गाड़ियाँ मंगा कर दी हैं और तूने मेरा टैंक तू मुझे वापस रिपेयर करवा कर दिया, तुझे मुझसे चाहिए क्या, चलो एक बार इससे पता। देख मुझे यहाँ पर किसी भी बात पर अभी ना देख कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है हाँ, और अगर वाकई में ऐसा है ना तो देख ले भाई बिग माफिया, तू मुझसे बचने नहीं वाला है, कसम से बता रहा, इस बार मैं तेरा भेजा फ्राई करके रख दूंगा। तो गाइज यार देखो यहाँ पर मुझे बिग माफिया ने ना यहाँ पर अभी एक मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग सी बात बताई है, बिग माफिया ने मुझे यहाँ पर ये बोला कि देख मेरे जितने भी गिफ्ट्स हैं और ये जो सारी बातें ये सब कुछ मुझे करने के लिए यहाँ पर एल रूबियो ने बोला है, ठीक है, और एल रूबियो ने मुझे यहाँ पर एक बात और बोली थी कि तू ये सब कुछ देने के बाद जब माइकल को तेरे ऊपर भरोसा हो जाएगा ना, जहाँ पर सिमियन की दुकान है ना दोस्तों, सिमियन भी इस चीज़ में शामिल है, जी हाँ, सिमियन के सामने एक बिल्डिंग आपने देखी होगी, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो बिग उसने क्या कहते हैं एल रूबियो ने इसको बोला है कि फिर माइकल को लालच देना कि मैंने तेरे लिए एक फ्लैट उस बिल्डिंग के अंदर बुक किया है, और चल मैं तेरे को फ्लैट दिखाता हूँ, और वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट, भाई देखो मुझे नहीं पता ये ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी गार्ड्स उसने कैसे बनवा दिए, ट्रांसपेरेंट अल्ट्रा रोबोटिक सिक्योरिटी गार्ड्स नाम से कुछ ही बता रहा है, अल्ट्रा रोबोटिक एक्स ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी गार्ड्स जो है, अल्ट्रा रोबोटिक एक्स ट्रांसपेरेंट, नाम भी कितना लंबा है, तो वो मेरा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों मुझे मारने के लिए, इसने ये बात बोली है। तो इसने बोला कि तुम्हारे पास तो माइकल इल्यूमिनाटी लॉकेट है, तुम मेरे साथ वहाँ पर चलो, और वहाँ की सिक्योरिटी कैमराज जो वहाँ पर लगे हुए हैं ना वो एल रूबियो उन कैमराज में देख रहा है, और तुम किसी तरीके से करके ना वहाँ पर ना उन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को ना मारो, लड़ाई करो, और वहाँ पर ना मरने का नाटक करना, ठीक है, और जैसे ही तुम मरने का नाटक करोगे मैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए हैं ना उन्हें उनका जो सिग्नल है ना तोड़ दूंगा, ठीक है, तो फिर मैं एल रूबियो को बोलूँगा कि माइकल मर चुका है, और एल रूबियो खुश हो जाएगा, बट तुम ज़िंदा रहना, फिर एल रूबियो लॉस सैंटोस में आएगा और तब तुम एल रूबियो को यहाँ पर पकड़ सकते हो। देखो बहुत लंबी बात है, और इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है कितना मतलब झूठ बोला गया है वो तो बाद में पता चलेगा, बट पहले चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसा प्लान चल रहा है वैसा करते हैं। मैं यहाँ पर खुश हो चुका हूँ गाड़ियाँ वगैरह लेकर इसके हिसाब से, और अब चलो चलते हैं उस लोकेशन पर। एक काम कर लेता हूँ मैं, मक्लारन वाली मक्लारन खड़ी है ना, ये मक्लारन लेकर चलते हैं, काफ़ी तगड़ी गाड़ी है। आ भाई बैठ, बाकी दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मक्लारन काफ़ी
ज़्यादा सही गाड़ी लग रही है, और इस गाड़ी के अंदर ना GPS लगा हुआ है, ठीक है। तो GPS से एल रूबियो को अभी सब कुछ पता चल रहा है कि मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ वो कहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। एल रूबियो को सब कुछ पता चल रहा है दोस्तों, देखो मैंने ये बात तुमसे पहले यहाँ पर खोल दी, उसको A to Z हर चीज़ का पता चल रहा है, ठीक है। कोई ना अभी देखते जाओ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कैसा खेल मैं यहाँ पर खेलने वाला हूँ, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। चलो सबसे पहले तो हम इस लोकेशन पर चलते हैं और ज़रा जाकर देखते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से दोस्तों, मैं सीधा आपको वहीं पर पहुँच कर ही मिलता हूँ। गाइस तो मैं अपनी गाड़ी को ना फुल स्पीड में भगाकर फाइनली उस लोकेशन पर आ गया हूँ। ओके इसको भी मैं देखूँगा, चलो कोई ना, उसको हर एक चीज़ का पता चल रहा है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ या फिर नहीं आया। फाइनली यहाँ पर कुछ जगहों पर सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए हैं और मुझे सिक्योरिटी गार्ड दिख भी गए, ट्रांसपेरेंट से खड़े थे, और ये मुझे अंदर जाने के लिए बोलेगा। आ जाओ, सब कुछ कैमरों में देख रहा है दोस्तों, एल रूबियो को हर चीज़ पता चल रही है, हर चीज़ पता चल रही है। चलो मैं हाथों में ना गन ले लेता हूँ। ओके फिलहाल अगर मैं नॉन रिएक्ट करूँ ना, ये देख रहे हो तुम, ये सब सिक्योरिटी गार्ड्स ही खड़े हैं, और ये ना दोस्तों सबके सब मुझे देख पा रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ गन्स खड़ी हैं और मैं इनको देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। बट काफ़ी तगड़ी फाइट होने वाली है तो थोड़ा बचकर ही करेंगे। चलो अब इन्हें उकसाते हैं, कमांड मिलेगी अब। अरे बहुत खतरनाक है तेरी भाई साहब, भाई खतरनाक सी कर रहे हो भाई। एक ये रहा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं इनको कितना भी मारने की कोशिश करूँ दोस्तों ये मरेंगे नहीं। खतरनाक सिक्योरिटी गार्ड है गाइस भाई, मैं सोच रहा था मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी गेम रहने वाला है, बट इजी नहीं है, तगड़े आ रहे हैं। गलत पंगा ले लिया मुझे, बचकर तो गाइस हम सिर्फ बिल्कुल गोली चला रहे हैं, बिग माफिया ने इतने सबसे घेर लिया बेसिकली, सिक्योरिटी गार्ड्स है कि नहीं मुझे तो लिटरली पता भी नहीं चल रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहे यार, मतलब कम से कम दिखने तो चाहिए, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। गौर यार मैंने गलत ही पकड़ लिया, गोली से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्या क्या ही फर्क पड़ रहा है, ना ब्लास्ट कर दें। बढ़िया बढ़िया, अबे लिफ्ट भी तो होती है, हाँ एक लिफ्ट का है ऊपर है। मक्लारेन बुलेट प्रूफ है क्या? मक्लारेन गई भाई। कोई बुलेट प्रूफ नहीं गाड़ी की यार दोस्तों, कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी, मैं सोचा था कोई बुलेट प्रूफ कार होगी।
बच के जब तुम डर गए हो ठीक है, और बस फिर ना गिर जाए। बढ़िया बढ़िया, राइट गाइज में लेट गया, जैसे मैं मर गया हूँ कैमरा उधर लगाऊंगा। जैसे मर गया, अब तक मेरे ऊपर कितने जो गोली चलाते रहे मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे गले में लिमिट, यहाँ पर जो माफी दोस्तों कैमरा के कनेक्शन कट कर देगा जब मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ, तो देख ही रहा हूँ को लगेगा कि कनेक्शन की वजह से कटा है। मैं काफ़ी अच्छा सीन दे रहा हूँ दोस्तों, मतलब उसको यही लग रहा होगा कि दोस्तों मैं मर चुका हूँ, मैं ऐसे पड़ा हूँ, तो मैं ऐसे पड़ा हूँ जैसे कि दोस्तों उसको लग रहा होगा कि मर गया। हो गया क्या डन? राइट गाइस, गेम माफिया यहाँ पर मुझे इशारा दे रहा है कि डन, जब बिग माफिया चल दिया दोस्तों, हमें गाड़ी की ज़रूरत होगी और बस यहाँ से बचकर निकलना है। सिक्योरिटी कैमरा से मतलब बंद हो गए, अब एलओबी को ये लग रहा होगा कि दोस्तों मैं मर चुका हूँ, अब बस मुझे यहाँ से बचकर बाहर निकलना है। भाग माइकल भाग, क्या कर रहा है क्या कर रहा है? इनको सिक्योरिटी गार्ड्स को मारना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। तुम क्या सोच रहे हो, हम इनको छोड़ देंगे? अब देखना ज़रा, इनकी तो ऐसी की तैसी, बाहर आने दो इन्हें। अब गाइज मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ अपने इल्यूमिनाटी 20.0 सिक्योरिटी को, वो बताएंगे यहाँ पर क्या होता है। राइट गाइज, तो फाइनली यार यहाँ पर मेरी इल्यूमिनाटी 20.0 सिक्योरिटी आ गई है, और अब ये खुद देख लेगी यहाँ पर फाइट को, तो यहाँ पर कुछ भी टेंशन नहीं लेगी, खुद देख लेगी फाइट को। भाई दूर को हो जा, तो बहुत अच्छे तरीके से माफी हो रहे हैं। अबे बिग माफी यहाँ जब भागती है वरना मर मर जाएगा। अच्छा बिग माफी, अबे भाई मेरे गोली लग रही है दोस्तों। ओके यहाँ पर काफ़ी बुरी फाइट चल रही है, जब से इल्यूमिनाटी 20.0 सिक्योरिटी आई है ना, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं, अपनी सिक्योरिटी खुद लग रही है। मैं मत घबरा, सिक्योरिटी खुद देख रही है। इल्यूमिनाटी सिक्योरिटी को भी मंगाइए 20.0, भाई इसको भी हराना मुश्किल है, ही नामुमकिन है। और मेरे हिसाब से हमारी सिक्योरिटी ही वाले जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको तो पानी पड़ने वाले, क्योंकि भाई हमारी बेसिक ऑनर काम के है ना। चलो क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी गैंग को बुलाकर क्या ही करता, मुझे पता है मेरे पास जो फैमिली गैंग है दोस्तों वो यहाँ पर कुछ ना करवाते, वो तो इंसान है दोस्तों, रोबोट से रोबोट यहाँ पर लड़ सकते हैं। इसलिए मैंने अपने घर से फटाफट दोस्तों कर इल्यूमिनाटी सिक्योरिटी गार्ड से हमारे लिए देखो, और एक फोन कॉल करते हैं। अब देखो अब दोस्तों गोलियाँ भी लगनी बंद हो गई, देख रहे हो, अब गोलियाँ भी लगनी बंद हो गई, क्योंकि अब ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड को मिल नहीं पा रहे हैं। अब सुनिए, ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड को मिल नहीं पा रहे बार बार बिग माफिया का, अरे कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा है। तो ले आज दोस्तों मैं यहाँ पर गाड़ी का इंतजाम करता हूँ सबसे पहले, तो चलिए बढ़िया। फिलहाल वहाँ पर तो फाइट होती रहेगी, फाइट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे सिक्योरिटी गार्ड तो भाई इनकी लेनी देनी करते हैं, कसम से बता रहा हूँ, हमारे सिक्योरिटी गार्ड नहीं छोड़ेंगे इसको, मैं बताऊँगा इसकी तैसी की तैसी। इसको बताऊँगा मैं, सिमियन मेरे बच्चे सब पता चलेगा तुझे, भी रुक जा। सबसे पहले तो गाड़ी का इंतज़ाम करते हैं, असल में यहाँ फाइट चल रही है ना, तो फाइट को देखते हुए यहाँ पर कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी, कोई बंदा आ रहा होगा उसको मार के गाड़ी छीननी पड़ेगी, जैसे यह आ रहा है। अरे शिट यार, कोई गाड़ी आ रही होगी, कोई बंदा आ रहा होगा तो उसे मार के गाड़ी छीननी पड़ेगी, गाड़ी तो भाई फ़िलहाल कोई ऐसी की तैसी। भाई इस टाइम शहर में इस इलाके में तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि धमाके इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना, इस एरिया में कुछ नहीं मिलने वाला। इस एरिया में कुछ नहीं मिलेगा जब से धमाके वगैरह हो रहे हैं, कोई नहीं, बट हम ज़रा आसपास ना कोई गाड़ी वाड़ी देख लेते, अगर कोई गाड़ी वगैरह मिलती है तो
बहुत सही बहुत सही। लोग बाग ना इस रोड से आ भी नहीं रहे गाइस, अब तुम देख लो लोगों के दिलों में कितना डर है। लोगों के दिलों में तो वाकई में गाइस बहुत ज़्यादा डर है, और लोग भाई ऐसी ऐसी चीज़ों से यहाँ पर डरते ही बहुत ज़्यादा है। हमें इसका फ़ायदा तो देखो उठाना नहीं है। बहुत बढ़िया, कोई भी गाड़ी मिल जाए ना आसपास खड़ी हो, दोस्तों भाग गए लोग भाग जितने भी आसपास थे। धमाकों की आवाज़ सुनकर ना कोई नहीं है यहाँ पे, बंदा ना बंदे की जात। हॉट डॉग वाला हॉट डॉग छोड़कर भाग गया तो और कौन नहीं होगा। बस यहाँ पर ना पीछे एक न्यूज़ वालों की वैन खड़ी है, वो उठा लेता हूँ, वो उठाने में फ़ायदा है। एल रूबियो को अब दोस्तों ये लग रहा होगा कि माइकल द इल्यूमिनेटी मर चुका है, और वो भी इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, बट ये अभी उसका कॉल नहीं उठा रहा है। ये सीधा यहाँ पर ये बोलेगा कि मतलब वहाँ पर इतना कुछ हो गया था और फिर मैं वहाँ से भाग गया। ठीक है कोई ना, न्यूज़ वालों की हम सीधा ये उठाते हैं। बैठ, पीछे बैठ जहाँ सही है। बहुत बढ़िया, बाकी दोस्तों बिग माफिया को हमने पीछे बिठा लिया है और अब हम यहाँ से चलते हैं। खतरनाक फाइट हो रही होगी, इधर कोई निकलूँगा मैं भी। हमारे सिक्योरिटी गार्ड को जीना हराम कर रहा है इनका। सही है पहले इनको दिखी ऐसी ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड्स को छोड़ना मत। हमारे इल्यूमिनेटी सिक्योरिटी गार्ड्स इनको दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। चलो यार मैं इस मैन को लेकर जल्दी से चलता हूँ। चलिए और फटाफट दोस्तों वैन को लेकर ना मैं यहाँ पर बिग माफिया के घर पर चलता हूँ, और बिग माफिया के घर पर जाने के बाद दोस्तों बिग माफिया को छोड़ना है, और फिर बिग माफिया अपने घर पर जाकर एल रूबियो से कांटेक्ट करेगा और ये बोलेगा कि हमने यहाँ पर माइकल को मार दिया। बट एल रूबियो मुझको यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसको ना एक डेड बॉडी की ज़रूरत है, जो कि दोस्तों मेरे जैसे हम शक्ल की होने वाली है डेड बॉडी। और मेरे जैसे हम शक्ल की डेड बॉडी कहाँ से आएगी, मैंने इसको बोल दिया वैसे इसका इंतज़ाम मैं कर लूँगा, बट वो होगा कहाँ से मेरे जैसे हम शक्ल की डेड बॉडी। चलो कोई ना देख लेंगे, और उसको ना दोस्तों मेरे जैसे यहाँ पर कपड़े वगैरह पहना देंगे तो ये चीज़ ठीक रहेगी। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, उसका भी इंतज़ाम करेंगे, बट सबसे पहले तो भाई मैं इसको ले करना इसके घर पर आ गया हूँ। ठीक है, हमने अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया था, और बिग माफे के फाइनली हम अपने इसके घर पर पहुँचने वाले हैं। वहाँ से मैं उठाऊँगा अपनी कोई गाड़ी और दोस्तों निकल जाऊँगा। बाकी तुमने देखा दोस्तों ट्रांसपेरेंट एक्स सिक्योरिटी गार्ड कितने ज़्यादा खतरनाक है, और अब ना मैं अपने इल्यूमिनाटी साइंटिस्ट को बोल करना दोस्तों इसी टाइप के सिक्योरिटी गार्ड अपने लिए भी बनाऊंगा। एक नंबर सिक्योरिटी गार्ड है एक नंबर। बाकी ये वाले सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत ख़त्म है, जो कि मैंने यहाँ पर बिग माफिया के मार दिए थे। चल ठीक है, तो यहाँ पर ना एल रूबियो को कॉल करके बोल दे सब कुछ ठीक है, और मैं डेड बॉडी का यहाँ पर इंतजाम करता हूँ। समझ गया, ऑल राइट बॉडी डन, बाकी मैं तेरी एक गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर ये एल रूबियो को बता रहा है फ़ोन पर ठीक है, बाकी मैं इसकी एक गाड़ी उठा लेता हूँ। और दोस्तों मैंने इसको ये बात नहीं बताई, बट क्योंकि देखो सारी बातें इसको बताना सही नहीं है, मैं इसकी फरारी लेकर जा रहा हूँ, यहीं से लेकर जा रहा हूँ। इसकी फरारी के अंदर जीपीएस लगा हो सकता है ठीक है, और मैं कहाँ पर जा रहा हूँ मैं इसको भी नहीं बताना चाहता है गाड़ी बात सॉरी ये बार ठीक है। और इसकी गाड़ी में ना बॉम्ब लगा रखा है मैंने पहले से ही ये फरारी के अंदर, तो इसको मैं ब्लास्ट कर दूँगा जैसे ही मुझे कोई गाड़ी मिलेगी। मुझे जाना इधर है, बट मैं जाऊँगा इधर, और मुझे गाड़ी मिल भी गई फाइनली। फाइनल दोस्तों मैंने इसकी गाड़ी ब्लास्ट कर दी, क्योंकि मुझे उसकी गाड़ी में जाने ही था भाई। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं चोरी की गाड़ी में चला जाऊँगा, क्यों जाऊँ मैं, समझ रहे हो तुम भाई साहब। हमेशा ना अपने दुश्मन से ना एक कदम आगे चलना चाहिए, अगर तुम अपने दुश्मन से एक कदम आगे चलोगे ना तो तुम्हारी हमेशा कामयाबी रहने वाली है। मैंने चाइनीज़ माफिया को और लेस्टर को मैसेज करके बता दिया था कि तुम सबके सामने मुझे यहाँ पर चाइनीज़ माफिया के घर पर मिलो, वहीं पर मैंने हैकर गर्ल को बुलाया, यहाँ पर अंडर वाटर माफिया भी है और दोस्तों लिबर्टी डॉन भी है दोस्तों, वहीं पर सबके सब वहीं पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ज़रा उनको ही पूरी बात बताना चाहता था ठीक है। बाकी वो सिक्योरिटी गार्ड के भरोसे प्रेसिडेंट और उसकी बीवी को उस बंकर के अंदर छोड़ के आएंगे। वैसे तो दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड ही वो इतने ज़्यादा खतरनाक है, वो मतलब कच्चा चबा जाएंगे भाई, पर छोड़ेंगे नहीं उन्हें, तो उनकी तो भाई देखो भाई टेंशन लेने से कोई वो ही नहीं होने वाला ठीक है। बहुत सही, चलो फाइनली हम इसी घर पर आ गए, बहुत तगड़ा। बहुत सही, ओके तो ये दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर उधर क्या रही हैं, पैंथर कार और एक ये वाली कार। ये मेरी पैंथर कार नहीं है,
मुझको तो लगता नहीं मेरी पैंथर कार, ये मेरी पैंथर कार है क्या? देखो जरा अभी पता चल जाएगा। अरे यार ये तो मेरे वाली पैंथर कार है, और इसको यहाँ पर लेकर कौन आया? ये पैंथर कार तो पूरे लॉस सैंटोस में यार एक ही, और भाई वो मेरे पास है, यहाँ पर लेकर कौन आया भाई पैंथर कार? बाकी चलो यार फाइनली हम यहाँ पर तो आ गए। सब के सब दोस्तों जितने मेरे भाई लोग हैं ना, सब के सब मेरा यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। हैकर गर्ल भी आ गई, सब के सब आ गए हैं। ऑल राइट, चलो भाई दिल को खुशी मिली इन सबको देख कर यहाँ पर। चलो तो भाई लोगों मेरी बात सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम सबको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ज़रा अपने कानों के ना पट खोल के सुन लेना सबके सब, ठीक है? हैकर गर्ल तुम भी, क्योंकि तुम्हारी भी ज़रूरत होने वाली है इस वाले मिशन के अंदर। तो बात कुछ ऐसी है, मैं गया यहाँ पर बिग माफिया के पास। हाँ हंसने की कोई बात नहीं, कसम से मैं ऐसे ही एक्टिंग कर रहा था यार, फिर मैं बस खड़ा हो गया बाद में। सही कह रहे हो तुम सब, मुझे भरोसा है भी नहीं यार, वो तो बस वो टैंक वगैरह देखकर मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था, इसीलिए तो मैंने डेविड को कॉल किया। मैंने कहा टैंक वगैरह सब कुछ ले जाकर ना, जितनी गाड़ियाँ हैं सब अपने स्टोरेज सेंटर में डाल दे। तो गाइज यार मैंने इन सभी को सारी की सारी बातें बता दी। जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, सबके सब यही बोल रहे कि भाई जो बिग माफिया है बहुत ख़तरनाक बंदा है, और वो कुछ भी कर सकता है, वो कैसी भी प्लानिंग बना सकता है। तो देख पहली बात तो ये है, इतना भरोसा मत करना, अंधा भरोसा तो देख करना ही नहीं चाहिए, ठीक है? तो गाइस सबसे पहली बात तो ये हो गई, अंधा भरोसा करना नहीं है बिग माफिया के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर जो है लेस्टर और हैकर गर्ल दोस्तों दोनों नज़र रखेंगी। जो चाइनीज़ माफिया है वो दोस्तों यहाँ से दोबारा से बंकर में जाएगा, जहाँ पर मैंने उसको रखा हुआ है, क्या कहते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को रखा हुआ है। और दोस्तों जो लिबर्टी डॉन है ना, वो हमसे ना अब यार यहाँ पर जो डॉग्स है ना वहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि देखो दोस्तों लिबर्टी डॉन को ना फेक डॉलर्स लेकर जाने हैं दोस्तों लिबर्टी सिटी, इसको ना ज़रा वहाँ पर कुछ परचेज़ वगैरह करना है, इसीलिए ये यहाँ पर आया हुआ था। तो हमने इससे बोला हुआ है कि हम तुझे यहाँ पर जो है फेक डॉलर्स देने वाले हैं, और हमने इसका ट्रक भी भरकर दोस्तों रख रखा है, ठीक है? तो मेरी बात सुन, तू सीधा बीएम में निकल, या फिर जो मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ मर्सिडीज़ में उसमें निकल, और सीधा मैं उसी लोकेशन पर मिलना, ठीक है बड़ी? बाकी मैं अंडरवाटर माफिया के साथ जा रहा हूँ, चल आ जा अंडरवाटर माफिया। तो दोस्तों अभी हमें सीधा यहाँ पर जाना है अपने फेक मनी प्लांट पर, जो कि हमने दोस्तों अभी एक टेम्परेरी मनी प्लांट लगा रखा है, ठीक है? और मेरी वाली जो गाड़ी है ना, ये वाली दोस्तों अंडरवाटर माफिया लेकर आया था, प्लेबॉय मेंशन पर ही था ये। बहुत सही, चलो मेरे वाली गाड़ी की तो भाई मुझे अच्छे से पहचान है, बहुत बढ़िया। और हमें इसको दोस्तों नकली नोट देना है भाई, फेक करेंसी इतनी ज़्यादा चलने लग गई है ना आजकल, पता नहीं चलता कौन सी फेक करेंसी कौन सी भाई रियल है। बट देखो यार पता करना तो मुश्किल ही है। बाकी हम अपनी पैंथर कार लेकर जा रहे हैं, और हमें वो नोटों का भरा हुआ ट्रक उस जगह पर पहुँचाना है, ताकि शिप के अंदर उसको लेकर ना दोस्तों यहाँ से निकल सके। बढ़िया चलती है भाई, क्या गाड़ी चलती है भाई, मुझे ना पैंथर कार से वैसे इतना प्यार है, और जब मैं इसको चलाता हूँ ना तब भाई और भी ज़्यादा हो जाता है लिटरली। जब से फाइट चल रही है ना वहाँ पर, तो भाई लॉस सैंटोस के अंदर थोड़ा कर्फ्यू टाइप लग गया, अब तो खैर पुलिस भी आ गई होगी वहाँ पर, और भाई इल्यूमिनेटी सिक्योरिटी ने हमारी हरा भी दिया होगा उसको, ठीक है? चलो जल्दी से यार हम ज़रा उस लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ पर हमने फेक मनी प्लांट लगा रखा है। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, ये जो लॉस सैंटोस कस्टम्स नहीं है क्या, ये वाला हमने खरीद लिया तो उस दिन के बाद जब मैंने यहाँ पर बंदों को उड़ा दिया था, और इसके अंदर ही लगा रखा है हमने, क्योंकि ये कस्टम तो फिलहाल अभी चलता नहीं है ना। हम यहाँ पर दोस्तों दूसरी जगह बनाने की सोच रहे हैं, और हम काफ़ी जल्दी बना भी देंगे। एक काम करता हूँ, इस वाली गाड़ी को अंदर ही खड़ी करनी पड़ेगी पर। ऑल राइट, तो ये ट्रक है दोस्तों जो कि पैसों का भरा हुआ है। हाँ सही है, ये चीज़ बढ़िया है। आजा। ऑल राइट गाइज, तो हमने यहाँ पर देखे कितने सारे डॉलर्स वगैरह पड़े हैं, और हमने यार यहाँ पर भी मशीनें लगा रखी हैं, ये देखो आप सभी लोग। अब देखो भाई ज़रूरत तो भाई हर किसी को होती है, तो भाई लॉस सैंटोस में ना हमने दो तीन जगह फेक मनी के प्लांट लगा रखे हैं, जो भाई लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट है वो खुद ही यहाँ पर भाई जो है नकली नोट छाप रहा है, तो क्या कुछ नहीं हो सकता, लॉस सैंटोस में हर चीज़ हो सकती है। चल भाई आ जा यार, क्या कर रहा है? हाँ नहीं तो बाकी दोस्तों यहाँ पर सारा का सारा कैश पड़ा है, और यहाँ पर वॉशिंग वगैरह होती है, यहाँ पर सारे के सारे नोट वगैरह पैक किए जाते हैं, और ये यहाँ पर बैठने के लिए, पीछे हो जा।
जब मैं कुछ दिखाता हूँ ना तो देखने दिया कर, बाकी सब कुछ है दोस्तों। ओके, और यहाँ पर कैश देखो कितना सारा पड़ा है। कैश की तो भाई इतना सारा कैश है, कोई हद नहीं है कैश की, कोई भी हद नहीं है। इतना सारा पैसा दोस्तों इस पूरी लोकेशन पर भरा पड़ा है, ठीक है। और ये कैसी जगह है, ना तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस आ सकती है, ना ही फिलहाल अभी गाड़ियाँ वगैरह रिपेयर कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे इस लोकेशन पर, सिर्फ और सिर्फ नकली नोट छापे जा रहे हैं। तो चलो अब एक काम करते हैं, ये जो ट्रक भरा हुआ है ना इन पैसों का, इस ट्रक को यार यहाँ से उठाते और सीधा डॉक्स पर पहुँचाते हैं, ताकि दूसरे ट्रक सीधा का सीधा से लिबर्टी सिटी जा सके। चल भाई जल्दी आ, चल तू आता रहे, पहले मैं इस ट्रक को बाहर निकाल दूँ। बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट है उसको, बहुत सही आराम से निकलेगा ये। राइट गाइस, फाइनली यार हम इस ट्रक को लेकर जल्दी से पहुंचने वाले डॉक्स पर, जहां से दोस्तों इसके अंदर जितना भी पैसा है ना वो लिबर्टी सिटी जाएगा। और मैंने उससे यहां पर जो है बात करी है, बट मेरे हिसाब से दोस्तों इसके अंदर जितना भी पैसा है ना वो हमें कंटेनर के अंदर डाल देंगे और वो चला जाएगा, क्योंकि ट्रक सीधा का सीधा जाना सही नहीं है। तो ट्रक अलग सी चीज़ दोस्तों है, और लॉस सैंटोस का ट्रक दोस्तों लिबर्टी सिटी में चलेगा तो पुलिस की नज़रों में एकदम आ जाएगा, क्योंकि भाई जो मेरा दोस्त है वो लिबर्टी सिटी का डॉन है, ठीक है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ताकि उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी। मैं तो दोस्तों यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे तो कोई डर नहीं है, बट उसको तो भाई देखो डर है ना, तो इससे बढ़िया है हम सीधा भाई इसको तो यहीं पर रखेंगे ट्रक को और सीधा पैसा भेज देंगे, क्योंकि डॉलर्स वहाँ पर भी चलते हैं, डॉलर्स यहाँ पर भी चलते हैं। बहुत बढ़िया, देखो घबराहट तो थोड़ी सी मुझे भी हो रही है, पहली बार मैं इतना सारा दोस्तों कैश ना यहाँ से एक सिटी से दूसरी सिटी भेज रहा हूँ, ठीक है, घबराने की तो देखो बात भी है, बट कोई नहीं। अबे खोल दो ना इसको, हाँ नहीं तो पता नहीं क्या लगा रखा है। लॉस सैंटोस का थोड़ा सा मैनेजमेंट ना यार ख़राब हो रखा है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनली हम पहुँच गए इस जगह पर, बहुत सही। ऑल राइट गाइस, तो लिबर्टी डॉन हमारा यहीं पर इंतज़ार करा है। हे बड़ी, चल ज़रा मैं ना एक बार उससे कैप्टन से बात कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये तो बात करेगा नहीं कैप्टन से, भाई मुझे ही बात करनी पड़ेगी जो यहाँ का इस शिप का कैप्टन है। मैं तो भाई देखो लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट हूँ ना, मेरी बात तो देखो मान ही जाएगी, क्योंकि भाई ये तो नॉर्मल सा डॉन है, इसकी कौन बात मान रहा है, ठीक है, लिबर्टी सिटी का डॉन है वो भी यहाँ का भी नहीं, इसकी तो बात मानेगा नहीं कैप्टन, भाई मुझे ही बात मनवानी पड़ेगी। चलो गाइस, फिलहाल मैं कैप्टन से मिलने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं कैप्टन से मिलता हूँ, इसका सामान वगैरह लोड अच्छे से करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे। ऑल राइट गाइस, तो ये जो पूरा का पूरा कंटेनर है दोस्तों, मैं यहाँ से आपको इधर से दिखाऊँ तो ये देखो भाई पूरा का पूरा पैसों से भर गया है, वो देखो भाई कितना सारा कैश ये जो है, ये देखो कितना सारा कैश है। और मैं बताऊँ कहाँ पर खड़ा हूँ, ये देखो दोस्तों मैं कंटेनर के वहाँ पर खड़ा हूँ, कंटेनर इसमें अटका हुआ है, और दोस्तों वो देखो मैं वो सब नीचे हैं और मैं कितनी ऊपर खड़ा हूँ भाई कंटेनर के अंदर, दोस्तों यहाँ पर पैसा ही पैसा फाइनली भर गया है, ठीक है। और ये सारा पैसा यहाँ से दोस्तों ब्लैक में होकर जो है सीधा जा रहा है दोस्तों लिबर्टी सिटी। खैर, जब हम दोस्ती करते हैं तो भाई देखो दोस्ती निभानी भी पड़ती है और इस तरीके के धंधे भी करने पड़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे बिजनेस के अंदर दोस्तों यहाँ पर हर चीज़ चलती है और हम इस चीज़ को भी यहाँ पर चलाते रहेंगे, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, हम बहुत अच्छे से चला रहे हैं इस चीज़ को भी। तो चलो यार यहाँ से जो मैं जंप कर लेता हूँ, आराम से, ज़रा एक मिनट में इनसे बातचीत कर लेता हूँ। अरे यार, फिलहाल दोस्तों कैप्टन यहाँ पर ये रहा और लिबर्टी डॉन ये रहा, बाकी मैंने इन सब की बात करा दी है। कैप्टन को दोस्तों $2 मिलियन हमने दे दिए, तो भाई कैप्टन क्यों ना करता है वो काम, ठीक है। तो फिलहाल ये जो शिप है लिबर्टी सिटी के लिए, अब ये जो है मेरे हिसाब से एक घंटे में अब जो है निकल जाएगा, ठीक है, बाकी उस कंटेनर को ना दोस्तों वहाँ नीचे शिप के ऊपर जो है लगाया जा रहा है, ठीक है भाई। लिबर्टी डॉन हर चीज़ एकदम डन हो चुकी है और अब अच्छे से सेफ जर्नी है, ठीक है। और कल परसों को भाई मेरी शादी है, तो शादी में ज़रूर आना है, पहले इन पैसों को ले जाकर ठिकाने लगा दे अच्छे से, उसके बाद शादी में आना, ठीक है। चल ऑल राइट बड़ी, चल निकलता हूँ मैं। तो गाइस फाइनली मैंने काम डन कर दिया, दोस्तों के भी देखो यार काम वगैरह करवाने ही होते हैं, ठीक है, थीके? बाकी जितना पैसा था सारा कंटेनर में भरा गया था दोस्तों, ट्रक के अंदर कुछ भी नहीं है। अंडर वाटर माफिया कहाँ गया, मैंने उसको गाड़ी लाने के लिए भेजा था यार, अंडर वाटर माफिया अब तक नहीं आया। चलो छोड़ो, मुझे ट्रक के अंदर ही आगे जाकर देखना पड़ेगा,
मैंने उसको बोला था कोई गाड़ी ले आना। पता नहीं दिमाग से घूम चू कैसा है, इधर चला गया भाई इसी के। ओ यहाँ पर तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, कहाँ गाड़ी लाने के लिए है। चलो कोई नहीं, अपना जो काम था मेन वो तो हमने डन कर ही लिया। ट्रक के अंदर अब कुछ भी नहीं है, ट्रक के भाई दोनों पर पीछे खाली पड़े हैं। कोई गाड़ी यहीं पर होगी तो यहीं से उठा लेंगे। यहाँ पर भी कोई भी कार नहीं है भाई, ये तो देख लो तुम, वो पक्का आगे गया होगा दोस्तों गाड़ी वगैरह लाने के लिए। कभी वो शोरूम वोरूम पे चला गया हो यार, मुझको तो ऐसे ही लग रहा है वो शोरूम शारूम पे चला गया, टैक्सी वैक्सी पकड़ के निकला है वो यहाँ से। क्योंकि आधा घंटा हो गया, आधे से भी एक घंटा हो गया मुझे सामान वगैरह लोड करवाने में, तो भाई अंडर वाटर माफिया जा चुका था, वो पक्का उधर ही होता यार, यहाँ कहीं तो होने नहीं वाला। अगर इधर उधर होता तो पता चल जाता, वो पक्का इधर शोरूम पे ही भाग गया। चलो कोई ना, शोरूम पे चलकर एक बार देख लेते हैं भाई के इसके। तो भाई दरवाजे तो टूट रहे हैं, ये तो टूटेंगे ही, इनसे क्या दिल लगाना। चलो चलते हैं यार जल्दी से। बहुत बढ़िया, इस कस्टम पे पहुंच गए, और इस ट्रक को भी ना मैं इधर ही लगा देता हूँ। आज भाई जब से धमाके वगैरह हुए ना लॉस सैंटोस में, तब से भाई पब्लिक सड़क के ऊपर बहुत कम नज़र आ रही है। चलो चल के जल्दी से हम यहाँ पर जो है देखते हैं। अंडर वाटर माफिया यार यहाँ पर आया है क्या? वाटर माफिया बेटा मेरे को सब पता चल जाता है, तो यहीं पर आया था, चल बैठ। तो गाइज ये किसी कस्टमर की गाड़ी है जो कि फ़िलहाल हम अभी यूज़ कर रहे हैं, सर्विस के लिए आई हुई है। देखो हम अपने कस्टमर की गाड़ी तो ख़राब करेगी नहीं, जो बात है दोस्तों साफ है, हम अपने किसी कस्टमर की गाड़ी नहीं ख़राब करने वाले हैं, हम अपनी गाड़ियाँ ख़राब कर देंगे ठीक है। फ़िलहाल हम जा रहे हैं अभी लग्जरी ऑटोज़ पर अपने शोरूम पर ठीक है गाइज, और मैं वहीं से कोई गाड़ी वाड़ी भेज दूँगा बस किसी उसको लेकर, दोस्तों क्या कहते हैं मैकेनिक को या फिर किसी नौकर चाकर को लेकर भेज दूँगा ये गाड़ी दोबारा से यहीं पर। वैसे भी लॉस सैंटोस के अंदर ट्रैफिक के नाम पर तो ज़ीरो रखा है अभी, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है अब तो गाड़ी चलाने में, बहुत तगड़ी गाड़ी चल रही है, क्या बात है मज़ा ही तो आ गया। अब तक तो मेरे हिसाब से हमारे सिक्योरिटी गार्ड जीत भी गए होंगे फाइट में, जीत गए क्या? अरे यार गाइस अभी भी फाइट चल रही है यार, इस इलाके में अभी भी फाइट हो रही है। अभी तक सिक्योरिटी गार्ड मतलब इतने ज़्यादा वो रखे हैं, बट उन सभी को ना इंडिया में जमा कर दिया, तो अच्छी बात है फाइट होने पर हमारे सिक्योरिटी गार्ड को देख रही है। हमें तो भाई टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब हमें टेंशन लेने की भाई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ए टू जेड हर चीज़ भाई वो खुद संभाल लेंगे ठीक है, हर चीज़ खुद संभाल लेंगे। बाकी हम एल रूबियो की नज़रों में मर चुके हैं, और अब देखते हैं एल रूबियो का नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या रहने वाला है ठीक है। बाकी चलो अब जल्दी से यहाँ पर लग्जरी ऑटोज चलते हैं, वहाँ पर हम अंडर वाटर माफिया को छोड़ते हैं। राइट गाइस फाइनली यार, मेरे हिसाब से ऐसे हो गए होंगे 2 से 3 महीने हो गए ठीक है, और जब से फ़ाइट वगैरह चल रही है ना, तो भाई फ़िलहाल अपनी दुकानों पर कोई नहीं है, और रास्ता देख लो कितना खाली पड़ा है ठीक है। तो भाई 2 से 3 महीने हो गए मैं लग्जरी ऑटोज़ पर आया था ठीक है, 2 से 3 महीने हो गए, इवन ज़्यादा ही ना हो गए हों ठीक है। मैं लग्जरी ऑटोज़ पर आया था और मैंने यहाँ पर आकर गाड़ियाँ वगैरह देखी थी। अंडर वाटर माफिया काफ़ी अच्छे तरीके से शोरूम चला रहा है नो डाउट ठीक है, बट एक बार जो शोरूम होता है ना भाई, देखो देखना भी पड़ता है फिलहाल अंडर वाटर माफिया कर क्या रहा है, शोरूम चल कैसा रहा है, जो सारी की सारी बातें होती है ना दोस्तों वो एक बार देखनी पड़ती है ठीक है। और वैसे मेरे हिसाब से लग्जरी ऑटोज़ देखो भाई दिखने में बहुत सुंदर है, और भाई साहब काफ़ी यूनिक सी गाड़ियाँ दिख रही है मुझे शोरूम के अंदर। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी तो मैं गाड़ियों का लाइनअप भी दिखाऊँगा, चलो अंदर चलते हैं सबसे पहले तो। ओके सब कुछ ऐसा कैसे पड़ा है, शैम्पियन वगैरह यूज़ की थी क्या? बाकी ये रहा अंडर वाटर माफिया का अंदर से जो सब कुछ था, बढ़िया ऑफिस वगैरह। चलो ठीक है एक बार यार इसको बुला लेते हैं। तेरी बात यार यहाँ पर बिल्कुल सही है, बट ये वाला जो मतलब स्टॉक है ना काफ़ी ज़्यादा मेरे को तगड़ा देख लगा है, बहुत सही अच्छा काम कर रहा है अब तो शोरूम के ऊपर, बहुत बढ़िया। चल यार मैं ज़रा बॉटल ना अभी पहले पी लेता हूँ दोस्तों पहले, फिर आपको यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह एक बार दिखानी है शोरूम की। चलो यार एक काम करता हूँ, मैं बॉटल को फटाफट ना इधर रखता हूँ, बहुत सही।
चलिए और अब ज़रा ना मैं आपको गाड़ियाँ दिखाता हूँ। ये है गाइज महिंद्रा की तरफ से आने वाली महिंद्रा बोलेरो, क्या बात है। और ये बिल्कुल नया मॉडल है भाई महिंद्रा बोलेरो का, क्या गाड़ी लग रही है दोस्तों। देख रहे हो गाइस क्या कार लगती है, एक नंबर। हम इंडियन गाड़ियों में भी अब दोस्तों डील करने लग गए लग्जरी ऑटोज़ पर। यहाँ पर सारी एसयूवीज ही हैं। बेंटले, क्या खूबसूरत गाड़ी लग रही है दोस्तों बेंटले की, एक नंबर। मतलब कोई भी इस गाड़ी को पहली नज़र में देखेगा ना, उसको पहली नज़र में इस गाड़ी से प्यार होने वाला है। इस टाइप की गाड़ी है, पहली नज़र में मोहब्बत होने वाली कार है भाई। और उसके बाद ये रोल्स रॉयस वाली है कॉल्यूजन। और तुम्हें पता होगा दोस्तों ये वाली गाड़ी ना इंडिया में सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान के पास है, और उसने भी रिसेंटली परचेज़ की है। किस किस को इस बात का पता है कमेंट करके बताओ। और उसने हमारे शोरूम से भाई ख़रीदी थी ये वाली गाड़ी, कैसी लग रही है। बाकी दोस्तों उसके बाद ये खड़ी ह्युंडई, वो है ये ह्युंडई अल्काज़ार। अल्काज़ार बढ़िया लग रही है दोस्तों गाड़ी, क्या खूबसूरत कार है अल्काज़ार। देखना दोस्तों एकदम मस्त गाड़ी लग रही है ना अल्काज़ार। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर XUV500, XUV500 रेड कलर में, बहुत सुंदर। और भी दोस्तों हम यहाँ पर इंडियन गाड़ियाँ जो है मंगवाने वाले अपने शोरूम के लिए, तो बहुत जल्दी आपको वो भी यहाँ पर कार्स देखने के लिए मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ मैं आपको ये वाली गाड़ी तो भाई देखो बैठ कर दिखाऊँगा। ओ आराम से भाई आराम से। इवन गाइज मैंने यहाँ पर ये बात तक बोल दी है कि ये वाली जो गाड़ी है ना, ये मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखूँगा। मर्सिडीज़ मे बैक लिमोजिन एडिशन GLS 600, प्योर गोल्ड में है भाई, ये इसकी खासियत है। और गाड़ी मतलब ऐसी है कि भाई कोई बंदा 100 घड़ी इस गाड़ी को खड़ा होकर देखे। इस टाइप की सारी कार्स हमारे शोरूम में लगी हुई हैं। तो जिसको भी दोस्तों फटाफट गाड़ियाँ खरीदनी है, फटाफट जल्दी से लग्जरी ऑटोज़ में आ जाइए, और आने के बाद आपको फटाफट अच्छे डिस्काउंट पर हम जो है गाड़ियाँ वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी यार मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आज का एपिसोड वाकई में आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तभी तो यार देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नए नए वीडियोज़ लेकर आऊँगा, और तभी यहाँ पर तुम्हारे लिए नए नए सब कुछ लेकर आऊँगा। तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो। बाकी यार मैं मिलूँगा तुमसे यहाँ पर लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना दोस्तों, खुश रहिए, बाय बाय।